चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बैंगन फ्राई की रेसिपी। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। इस बैंगन फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन को धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसके बाद इसे स्लाइस में कट करेंगे इस तरह से। इस स्लाइस को ज़्यादा ना मोटा रखें ना ज़्यादा पतला, देख सकते हैं इस तरह से कट कर लेना है इन सभी को। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें बेसन। इन सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सभी मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करें इस तरह से। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बैंगन के स्लाइस को इसमें कोट कर लेंगे इस तरह से। सभी बैंगन को इस तरह से कोट कर लेना है। बैंगन को कोट करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इसके बाद हम डालेंगे कढ़ाई में तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे पहले। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसके बाद डाल देंगे इसमें बैंगन, एक एक करके डालेंगे। इसे हमें नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने देना है। इसके बाद इसे पलट लेंगे। इस बैंगन को हमें बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने तक सिक लेना है दोनों तरफ से। बैंगन बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है, इसे हम निकाल लेंगे। अब बैंगन फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम सर्व कर लेंगे। अब रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी।